વેલકમ બેક 77માં સ્વતંત્ર પર્વની વડોદરા જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી ડેસર ખાતે કરવામાં આવી જ્યાં રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા ધ્વજવંદન કરાયું। ડેસરની સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત ધ્વજવંદન સમારોહમાં જિલ્લાના અધિકારીઓ સહિત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી આપી। તો આ સાથે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા આરોગ્ય મંત્રીએ ગુજરાતની જનતાને વાયદો આપ્યો કે રાજ્યમાં એક પણ આરોગ્ય કેન્દ્ર એમબીબીએસ ડોક્ટર વગરનું નહીં રહે। राज्य में हाल तो तमाम आरोग्य केन्द्र में एमबीबीएस डॉक्टर कार्यरत है, त्यारे 2027 सुधी में 4000 पीजी डॉक्टर मळे ते प्रकारना प्रयास गुजरात सरकार करी रही छे। नवरात्रि होय कोई त्यौहार नो प्रसंग होय आपणी बहन दीकरीओ एकली रात्रे फरी सके नवरात्रि में जई सके ए प्रकारनुं वातावरण आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे ऑर्गेनाइज क्राइम ने खतम करी नाना मोटा क्यांय क्राइम थता होय तो एना उपर अंकुश लावी शांत अने सलामत गुजरात बनाव्युं छे। भूपेन्द्रभाई एज दौरमां एज कड़ीमां आगळ वधी एज श्रेणीमां आगळ वधी एने आगळ वधारी रह्या छे। दाहोद जिल्लामां 77માં स्वातंत्र पर्वनी उजवणी कराई। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए कर्युं ध्वजवंदन। जालोद खाते जिल्ला कक्षानो आ कार्यक्रम योजायो। ध्वजवंदनमां मोटी संख्यामां लोको हाजर रह्या। रंगे चंगे स्वतंत्रता पर्वनी उजवणी करवामां आवी। आज देशभर में 77માં स्वातंत्र पर्व की उल्लासभर उजवणी थई रही है, त्यारे गुजरात हाईकोर्ट खाते पण स्वातंत्र पर्व की उजवणी करी राष्ट्रध्वज ने सलामी अपाई। अहीं हाईकोर्टना चीफ जस्टिस श्रीमती सुनीता अग्रवाल ना हस्ते ध्वजवंदन करायुं, त्यारे ध्वजवंदन स्थले हाईकोर्टना न्यायालय दंड ने पण राखवामां आव्यो हतो। मुख्य न्यायाधीशे ध्वजवंदन करी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीनी प्रतिमाने पुष्पांजलि अर्पी करी हती। महत्वनुं छे के गुजरात हाईकोर्टना इतिहासमां प्रथमवार कोई महिला न्यायाधीशना हस्ते ध्वजवंदन थयुं छे, त्यारे आ प्रसंगे हाईकोर्टना अन्य न्यायाधीशो कोर्ट अधिकारीओ सीनियर एडवोकेट अने अन्य नागरिको पण उपस्थित रह्या अने स्वतंत्र पर्वनी उल्लासभर उजवणी करी। सभी को बधाइयां देना चाहूंगी स्वतंत्रता दिवस की और मेरी तरफ से बधाइयां। समग्र गुजरात में आजादी पर्व की उजवणी थई रही छे। तिरंगाना रंगे रंगायो छे देश। प्रदेश भाजप कार्यालय पर ध्वजवंदन करायो। कमलम में प्रदेश भाजप प्रमुखे ध्वजवंदन कर्यु। सी आर पाटिले तिरंगो फरकाव्यो। भाजपा होद्देदारों ने कार्यकरो त्यां उपस्थित रह्या। ध्वजवंदन कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। दर वर्षनी जेम आ कार्यक्रमनुं आयोजन थतुं होय छे, परंतु छेल्ला बे वर्षथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेबे तिरंगा यात्रा अने हर घर तिरंगा आ बे जे मुद्दा आप्या छे अने एना कारणे आजे जोयुं हशे के आखा देशमां ने गुजरातमां तो दरेके दरेक गाममां पण હવે તિરંગા યાત્રાઓ યોજવામાં આવી। અસંખ્ય લોકોએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સ્વયંભૂ આવી યાત્રાઓમાં ભાગ લીધો અને પોતાના ઘર ઉપર અમને ધ્વજ પણ લહેરાવ્યો। આપણા દેશને આવનારી પેઢીને આ સ્વતંત્રતા મળતા પહેલાં જે શહીદોએ અંગ્રેજોની ગોળીઓ છાતી પર ઝીલી, જે યુવાનોએ ફાંસીના માદરા પર લટકી ગયા, કે જે યુવાનો એમણે પોતાની યુવાની અંગ્રેજોના જેલમાં વ્યથા સાથે એમણે ગુજારી, એમને અને એમના ફેમિલીને પણ આપણે યાદ કરવું જોઈએ।